बढ़ती महंगाई को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा दिए गए विवादित बयान से मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मंत्री विश्वास सारंग के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विषय से जनता को भटकाना चाहती है। पूर्व मंत्री ने कहा कि आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्या बहुत बड़ी है, जिसका यह समाधान तो नहीं कर पाए। देखिए भोपाल से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद ताहिर खान की यह खास रिपोर्ट। कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, ये इसी तरह की अनर्गल बयानबाजी करके विषय को विषयांकित करना चाहते हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है, ये समाधान तो नहीं कर पाए। इनको तो बात करना चाहिए, मोदी जी ने जो भाषण दिया था, अच्छे दिन के नारे दिए थे, काला धन वापस लाने की बात कही थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, तो क्या ना समझ थे? बिना समझे बोल दिया था क्या? देश की जनता पागल है कि मोदी जी पागल हैं? ये विश्वास सारंग को बताना चाहिए या भाजपा के सारे नेता पागल हो गए? इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम देश को किस दिशा में लेके आ गए हैं और कैसे संभलेगा। आज जनता इनसे बहुत नाराज है और आने वाले समय में ये कहीं जा नहीं सकते सुरक्षा व्यवस्था के बिना। इतनी असंतोष है बेरोजगारों में, नौजवानों में, आज हर कोई आंदोलित है। 15 दिन से हमारे पंचायत कर्मी, पंचायत विभाग के जितने लोग हैं, आज गाँव की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। गरीब लोग परेशान है, न रोजगार के अवसर है और ना ही उनको चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लेके खाद्यान्न से ले, जो भी सारी गांवों की जिम्मेदारी तो पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पीसीओ, यही सारे लोग देखते हैं। तो ये अपनी अव्यवस्था, अपनी नाकामयाबी को दबाने के लिए हमारे नेताओं को जबरदस्ती बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेताओं ने देश के चौमुखी विकास करने का काम किया, देश को आगे ले जाने का काम किया है और हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिस क्षेत्र में, जिधर भी आप, कृषि का क्षेत्र, जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे, हमारे देश के जो भी हमारे नेता रहे हैं उन्होंने देश के लिए बलिदान भी दिया है और देश की तरक्की में अग्रणी भूमिका निभाए है, इनके जैसा काम नहीं किया है। प्रतिभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।